हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार में। आज एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट जिसका नाम है फिडल लीफ फिग प्लांट, बेहद ही खूबसूरत ऑर्नामेंटल और एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है जो कि हवा को शुद्ध बनाने वाला होता है। और ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, ये है इंडोर प्लांट। तो अगर इसको आपने घर में रखा है तो इसकी देखभाल कैसे करें ताकि इसकी जो ग्रोथ है बेहद अच्छी और ये हरा भरा बना रहे और हेल्दी ग्रोथ करता रहे। तो आज कुछ टिप्स भी शेयर करूंगी जिससे कि आपका प्लांट अगर लश ग्रीन नहीं है, यानी कि डार्क ग्रीन कलर की इसकी पत्तियां नहीं निकल रही है, तो इसकी पत्तियां ग्रीन कलर की होना शुरू हो जाएंगी। तो स्टार्ट करती हूँ वीडियो। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। तो ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, फिडल लीफ फिग प्लांट, बेहद खूबसूरत पौधों में से एक है। और इसको जो है आप अपने घर के ऐसी जगह में रखें, अगर लाकर लगाते हैं तो जहाँ पे बहुत अच्छी ब्राइट लाइट आती हो, अच्छी रोशनी मिलेगी इस पौधे को, तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी रहती है। ये एक इंडोर प्लांट है, आप चाहते हैं तो इसको घर के अंदर भी ऐसी जगह में रखें जहाँ पे रोशनी बहुत अच्छी मिले इस पौधे को, तो ग्रोथ अच्छी होगी वहाँ पर। लेकिन अगर आप इसको ऐसी जगह में रखते हैं जहाँ पर इसे सुबह की एक दो घंटे की भी कम से कम हल्की धूप मिल जाती है, तो ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। इसकी पत्तियाँ बहुत खूबसूरत होती हैं और ये पत्तियाँ जो है इसकी बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी निकली हैं। मेरा जो ये प्लांट है फ्रेंड्स, ये बहुत छोटा सा प्लांट था, इसमें मतलब 3-4 पत्तियाँ ही थी जब इसको लेकर आई थी मैं, और ये कुछ ही सालों में इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है। और इसकी जो अभी नई नई पत्तियाँ आ रही हैं वो तो बहुत ज़्यादा बड़ी है। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हैं। वीडियो में इतना छोटा लग रहा है लेकिन है बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा। तो इसकी देखभाल कैसे करें ताकि आपके प्लांट भी जो है इतनी बड़ी बड़ी पत्तियां निकाले और हेल्दी ग्रोथ हो। तो सबसे पहला काम करें कि इस पौधे को जब भी लेकर आते हैं तो लाते के साथ इसको नहीं लगाएं, कुछ 8-10 दिनों के लिए घर के ऐसी जगह में रखें जहां शेडेड एरिया में रखें जहां इसे कड़ी धूप नहीं मिलती हो। दूसरी बात कि ऐसे गमले में लगाएं जो कि अगर ये पौधा आप इंडोर लगाना चाहते हैं घर के अंदर, सिर्फ घर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए और हवा को प्योरीफाई करने के लिए इंडोर रखना चाहते हैं अपने लिविंग एरिया में या आप अपने बेडरूम में रखना चाहते हैं, तो आप कोई भी अच्छा सा खूबसूरत सेरेमिक पॉट में भी लगा सकते हैं। लेकिन बस ध्यान इतना रखें कि उसकी जो ड्रेनेज होल है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो उसमें पानी बहुत दिनों तक जमा रहता है सेरेमिक पॉट्स में, जिसकी वजह से हम ऊपर से और भी पानी दे देते हैं, ऊपर की मिट्टी सूख जाती है, तब हमें पता नहीं रहता है कि अंदर की मिट्टी भी चेक करनी चाहिए, क्योंकि अंदर की मिट्टी जो होती है पूरी गीली होती है और ऊपर से सूखी हुई दिखाई देती है, तो हम और पानी डाल देते हैं जिसकी वजह से जो प्लांट है उसकी जड़ें बहुत जल्दी सड़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन हो जाता है प्लांट में, फंगस डेवलप हो जाती है मिट्टी में बहुत ज़्यादा पानी की वजह से, तो फंगस डेवलप होता है, वो जड़ों को पूरी तरह से खा जाता है, तो इससे जो प्लांट है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए जब भी आप प्लांट को लगाते हैं खासतौर से सेरेमिक पॉट्स में, तो इतना ध्यान ज़रूर रखें कि जब मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए, एक तो पहली बात ये ध्यान रखें कि जब आप एक बार इंडोर प्लांट्स में जो कि सेरेमिक पॉट्स में लगे हैं घर के अंदर रखते हैं उसमें एक बार पानी देते हैं, तो कम से कम 15 दिन के लिए तो उसकी जो मिट्टी है उसमें दोबारा पानी तभी दें, मिट्टी को पूरी तरह अच्छे से चेक करके उसके अंदर उंगली आप डालकर देख लें कि नीचे की जो मिट्टी है वो पूरी गीली है या सूखी है, अगर सूखी है तब आप उसमें पानी डालें, नहीं तो आप पानी नहीं डालें, अगर गीली है तो पानी नहीं डालें। सेरेमिक पॉट्स में क्योंकि पानी निकलने का और कोई जरिया नहीं होता है और उसमें इसीलिए बहुत दिनों तक मॉइस्चर बना रहता है, इसीलिए एक बार पानी देने के बाद पूरी तरह से जब वो मिट्टी सूखने लग जाती है अच्छे से चेक करने के बाद पानी दिया करें, नहीं तो प्लांट जो है बहुत जल्दी आपका ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसी जगह में रखना चाहते हैं जहाँ पे ये नॉर्मल जैसे गार्डन आपका लॉन है वहाँ पे आप लगा रहे हैं, तो उसको ऐसी जगह में लगा दें जहाँ पे ग्राउंड में अगर लगाते हैं तो इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, ये बहुत ज़्यादा पेड़ बन जाएगा बड़ा सा कुछ ही सालों में आपके घर में, बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है ग्राउंड में लगे हुए पौधों की, क्योंकि वहाँ पे जड़ें बहुत ज़्यादा फैलने का उसको जगह मिल जाता है पौधों को और न्यूट्रिशन उस हिसाब से ये ज़्यादा लेते हैं, तो इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। तो ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, अगर तेज़ी से ग्रोथ कराना है आप लोगों को, लॉन एरिया है वहाँ पे लगा दें ग्राउंड में ज़मीन में, तो ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। लेकिन अगर आपके पास एरिया नहीं है
गमले में ही लगा सकते हैं, आप अपार्टमेंट्स में रहते हैं कम स्पेस है तो छोटे गमले में भी लगा कर आप रख सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। या कोशिश करें कि मिट्टी के गमले में लगाएं या सीमेंट के गमले में, उसमें ग्रोथ बहुत अच्छी होती है प्लांट की। और आप निश्चिंत भी होंगे अगर ओवर वाटरिंग हो भी जाता है प्लांट में, ज़्यादा पानी आप डाल भी देते हैं पौधे में, तो पौधा आपका ख़राब नहीं होता है, चांसेस बहुत कम होते हैं उसमें प्लांट ख़राब होने के लिए। इसीलिए आप मिट्टी के गमले में या सीमेंट के गमले में पौधों को लगाएं तो ग्रोथ बहुत अच्छी होती है इनकी। इसकी प्रोपोगेशन की बात करूँ तो इसको कटिंग से आप लगा लें, बहुत आसानी से ये लग जाता है। बरसात के टाइम पे आप कोई भी कटिंग लगा लें, सारी कटिंग्स लग जाती हैं बरसात के पानी से, और बरसात के मौसम में ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। मिट्टी आप ऐसा बनाएं जो कि हल्की मिट्टी हो, पानी देने के बाद थोड़ी देर में ही निकल जाए, तो इससे प्लांट जो है वो हेल्दी बना रहता है, प्लांट ख़राब नहीं होता है। अगर आप सिर्फ मिट्टी में लगा रहे हैं तो बस इतना ध्यान रखें कि मिट्टी में लगाया है तो पानी तभी दे जब मिट्टी सूखने लगती हो तब। मिट्टी आप जो इसका पॉटिंग मिक्स बना रहे हैं उसमें एक हिस्सा मिट्टी के साथ एक हिस्सा रेत, जिसको सैंड भी बोलते हैं, और उसमें बालू बजरी भी ऐड कर सकते हैं, छोटे छोटे कंकर पत्थर आते हैं वो सब ऐड कर सकते हैं, उससे मिट्टी जो है पॉटिंग मिक्स हल्की बन जाती है, पानी देर तक गमले में नहीं रुकता है, जिससे प्लांट हेल्दी बना रहता है। वो सारी चीज़ें मिला सकते हैं, साथ में गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट मिला लें, बहुत अच्छा रहता है। अगर कोई फंजीसाइड पाउडर हो तो वो भी एक बड़ा चम्मच मिला लें, और सबको मिला के फिर इसकी रिपोर्टिंग करें। कुछ 5-6 दिनों तक इसको घर के अंदर रखें, ऐसी जगह में जहाँ इसे कड़ी धूप नहीं मिलती हो, धूप नहीं मिलती हो, और उसके बाद इसको फिर आप जहाँ पे रखना चाहते हैं ऐसी जगह में जहाँ ब्राइट लाइट के साथ इसे कुछ घंटों की धूप भी मिल जाए हल्की, या फिर आप कम्प्लीटली घर के अंदर भी इंडोर रखते हैं तो ऐसी जगह में रख दें जहाँ पे इसे ब्राइट लाइट मिले, और आप महीने में 1-2 बार इसे कुछ घंटों की 2-3 घंटों की हल्की धूप जहाँ आती हो वहाँ पे इस गमले को शिफ्ट कर दें। उसके बाद धूप मिलने के बाद वापस से इसको घर में आप रख लें जहाँ पे आपने प्लेस किया हुआ था पौधे को, तो इससे धूप भी मिल जाएगा, प्लांट हेल्दी भी बना रहेगा और लश ग्रीन बना रहेगा। अब बात करते हैं कि इसकी पत्तियाँ अगर लाइट ग्रीन कलर की हो गई हैं तो डार्क ग्रीन कैसे करें, इसके लिए आप इसमें एप्सम सॉल्ट आता है, ऑनलाइन भी आप लोगों को बहुत आसानी से या फिर प्लांट किसी प्लांट वेंडर के पास या फिर प्लांट नर्सरीज में बहुत इजीली मिल जाता है, तो 1 बड़ा चम्मच आप 1 लीटर पानी में मिला दें, और कोशिश करें कि अगर NPK है तो वो भी आप 1 चम्मच, दोनों को साथ में 1-1 चम्मच मिला लें 1 लीटर पानी में, और किसी स्प्रे बॉटल में डाल के और स्प्रे कर दें सारी पत्तियों पे, और बाकी बचा पानी जो होता है उसका गमले में डाल दें, तो इससे प्लांट की जो है पत्तियां लश ग्रीन बनी रहती हैं, प्लांट हेल्दी ग्रोथ करता है, जड़ें मजबूत रहती हैं तो प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा अगर आपके प्लांट की जो आपका जो प्लांट है वो बहुत लगी सा हो गया है, कहने का मतलब कि प्लांट का जो स्टेम है वो बहुत लंबा हो गया है लेकिन पत्तियां नहीं निकल रही हैं चारों तरफ से, बहुत ऊपर की तरफ पत्तियां हैं नीचे की तरफ बहुत कम पत्ती है या फिर बिल्कुल पत्ती नहीं है, तो उस कंडीशन में आप क्या करें, प्लांट की प्रूनिंग कर दें, यानी कि कटिंग कर दें किसी अच्छे नए कैंची से, या फिर कैंची को अच्छे से साफ कर लें डेटॉल वगैरह से, और उसके बाद उसकी कटिंग करें। नहीं तो आप किसी भी कैंची से इसकी कटिंग कर देते हैं या प्रूनर से इसकी प्रूनिंग कर देते हैं तो इसमें इन्फेक्शन हो जाएगा, फंगल इन्फेक्शन जो दूसरे प्लांट्स में जिसको आपने इस कैंची से दूसरे प्लांट को काटा है उसमें कोई बीमारी होगी तो इस पौधे में भी आ जाएगी। तो जब भी आप कोई प्लांट की कटिंग करते हैं तो आप उसको अच्छे से एक बार साफ़ कर लिया करें प्रूनिंग करने के पहले, फिर उसको काटें, नहीं तो जो इन्फेक्शन है दूसरे प्लांट में भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसकी कटिंग कर देंगे, लेकिन प्लांट को ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा छोटा ना करें, नहीं तो आपका जो प्लांट है वो बहुत जल्दी ख़राब भी हो सकता है, उसकी ग्रोथ भी रुक सकती है, तो मीडियम साइज़ का उसको काटें और फिर आप देखें उसमें कितनी तेज़ी से ग्रोथ होता है और पत्तियां चारों तरफ से निकलना शुरू हो जाएंंगी। और धूप ज़रूर दिखाएं कुछ घंटों की, इससे प्लांट में कीड़े मकौड़े नहीं लगते हैं, बहुत कम लगेंगे ना के बराबर, और इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और एप्सम सॉल्ट और NPK 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डाल के डिसॉल्व करके पत्तियों पे स्प्रे करें, महीने में 2 बार ये काम करें और फिर रिज़ल्ट देखें, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। पानी बहुत कम दें, एक बार मिट्टी सूख जाए तब डालें, तो इससे जो है प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, प्लांट हेल्दी लश ग्रीन बना रहेगा और आपके घर में खूबसूरती बिखेरता रहेगा, लंबे टाइम तक बना रहेगा। तो यही था आज का प्लांट वीडियो फ्रेंड्स, फिडेलिफिक प्लांट के ऊपर। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में,
टिल देन बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।